वंदन कर श्री हरिदास विपुल प्रेम निज नैन गहि कहे सुयस विहार गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद श्री हरिदास श्री हरिदास को जीवत डिगरी ले संवार के मेरी कुंज विहार द्वार और मैं सो कर सके अपनन को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को छिन में डाले खो कुंज विहार लाड़ी तुम थे सब कुछ हो मैं तेरी नागरी तू मेरी प्राण जान दी जो जगत में परसों पद सुख ना जो गिरेगी रावरी हो भगतो पुहार ताते तुम सो कहतो जाने पास बोल सुनाओ लाडली समझ दो हर को ये बात हारे हाथ है इस जीवन को मेरी लाज लाडली तो ये सब इतिहारे हाथ हरिदास को तुम्हारे चरण कमल तुम्हारे चरण कमल वृंदावन चंदू कीजे समस्ताचार वंदन कीजे जय जय श्री हरिदास अनन्यष्यात्म ग्रंथ पूर्वार्ध आज श्रद्धालु जनों ने पूर्वार्ध ग्रंथ के माध्यम से श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज के द्वारा अनन्यष्यात्म ग्रंथ थे और जो भी सत्संग वार्ता और श्रवण किया महाराज ने बहुत प्रकार से जो है रसिक जनों के लिए अपने जो है अनुभव हृदय के अनुभव और रहनी रीति वर्णन करी। आज के प्रसंग में प्रथम दिवस में अनन्यष्यात्म ग्रंथ उत्तरार्ध के माध्यम से अब तक ये पूर्वार्ध हुआ अब उत्तरार्ध के माध्यम से प्रथम पद में श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज गुरुओं की कृपा मनाते हुए और गुरुओं की उपमा गणेश जी से देते भाई और गुरु कृपा का बखान कर रहे हैं गुरु स्वरूप का बखान कर रहे हैं गुरु बिहारी जी महाराज की हमें बर गुरु गणेश है दीनों जल भर सूण फिराय शीस पर संस्कार सुकीनो दय प्रसाद प्रतीत बढ़ाई दुख दारिद सब छीनो अपने पांच रूप दर्शाए सुखोपजाय नबीनो व्यापक पूज सखियाचारज अति ऐश्वर्य प्रवीनो लोक वेद भय भरम भगाए तापसराए तीनों
आनंद घन को पद दर्शायो दंपति रति रस धीनु भगवत रसिकु लढ़े ती लालन ललित भुजन भर लीनु हमें बर गुरु गणेश है नीनो। स्वामी जी महाराज की जय। श्री स्वामी भगवत सिंह जी महाराज की जय। जय जय श्री लाल श्री। हमें बर गुरु गणेश है दीन। महाराज श्री भगवत सिंह जी कहते हैं कि हमारे श्री गुरुदेव ललित मोहनी देव जी महाराज अथवा श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने प्रेम स्वरूप स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने एक गणेश जी सदृश सर्वोपर सुख की प्राप्ति हमें वर वर माने वरदान हमको वरदान दिया स्वामी जी महाराज ने गुरुदेव जी ने। क्योंकि गुरु जी और स्वामी जी में जब विशेष भाव दृष्टि से जब हम समझेंगे तो गुरु ही स्वामी जी महाराज हैं। तो यहाँ गुरुन की प्रशंसा है। तो यहाँ मेरे गुरुदेव ने मुकु वरदान हमें बर गुरु गणेश हुए दीनों वर दीना वरदान दिया। और अपनी जल भर सूण फिराय शीश पर संस्कार शुभ कीनू। अब गणेश जी सूण के द्वारा तो अपनी जल भरी सूण के द्वारा नित्य विहार रस का आशीष देने में सक्षम हस्त कमल यानी इसका भाव बड़ों ने किया है कि जल भर सूण फिराए शीश पर संस्कार शुरू किया। स्वामी जी महाराज का वरद हस्त सर्वोपर जो सबके लिए दुर्लभ है निर्बध है उस नित्य विहार को देने में स्वामी जी महाराज समर्थ हैं। जाकू आशीर्वाद देते हैं ये नित्य निपट विहार प्रदान करते हैं। तो वरदान दिया और अपनी जल भरी सूंड से हमारे हाथ सिर पे और फिराए के हमारा शुभ संस्कार कर दिया। बोलो जो जल भर सूंड फिराए शीश पर संस्कार सो श्री स्वामी हरदास करम मुझ पर सतमात। तो स्वामी जी महाराज के जो चरण शरण होता है अपना कमल वरदस्त भावुक लोगों को भी ये समझना चाहिए स्वामी जी के चरणों में अपना मस्तक नवा में और ऐसा भाव दृष्टि में चिंतन करें कि स्वामी जी महाराज ने हमारे शीश पर अपना हाथ रखा है हस्त कमल रखा है और हमको वरदान दिया है ऐसा माने। तो अपने पांच तो दे प्रसाद परतीत बढ़ाई दुख दारिद सब छीनू। तो विश्वास बढ़ाया दे प्रसाद तो अपना जो है कृपा रूपी प्रसाद दिया और हमारे जो शुभ संस्कार वो जो है हमको प्रदान किया और विश्वास बढ़ाया दया प्रसाद प्रतीत बढ़ाई। सबसे बड़ा प्रसाद क्या है विश्वास बढ़ना इष्ट के चरणों में विश्वास बढ़ना ये सबसे बड़ा प्रसाद है। तो दया प्रसाद प्रतीत बढ़ाई और हमारे समस्त दुख दारिद्र सब छीनो जितने भी दुख दरिद्रता हमारी थी जन्म जन्मांतर में मरना गिरना ये सब छीन लिया सब समाप्त कर दिया समस्त दुख दारिद्रों को दूर कर दिया। बोलो जो महाराज की
दे प्रसाद प्रतीत बढ़ाई दुख दारिद सब छीनो अपने पांच रूप दर्शाई। पांच रूप दर्शाए गुरुदेव के पांच रूप कौन से? अपने पांच रूप दर्शाए सुख उपजाए नवीनो नवीन सुख प्रकट कराया अपनी कृपा से अपने वरदान से। स्वामी महाराज की जब कृपा जिनत हो जाती है तो नयो नयो जो बिहारी ज्ञान का सुख है वो प्रकट होता है हृदय में अनुभव होता है। तो कौन से? गुरु के पांच रूप व्यापक जो समस्त जड़ चेतन समान रूप से व्याप्त है और न केवल चेतन प्रेम युगलों को अपितु अणु अणु तथा परमाणु परमाणु को जोड़कर इस समस्त सृष्टि चक्र को सहज ही संचालित कर रहा है ऐसा प्रेम का व्यापक स्वरूप श्री गुरुओं का है। तो व्यापक पूज्य तो समस्त सृष्टि चक्र को और उसमें व्याप्त होके सबको संचालित कर रहा है ये गुरुओं का इष्ट का व्यापक स्वरूप है। जितने भी अणु अणु परमाणु सब में सबके अंदर विराजमान है। दूसरा स्वरूप पूज्य जितने भी संप्रदाय के अंतर्गत जो भी वरिष्ठ मान भाव हैं जो गुरु तुल्य हैं जिनमें विशेष श्रद्धा की जाती है जो श्रद्धाश्वत हैं गुरु स्थानीय वरिष्ठ और श्रेष्ठ मान भावों के रूप में हैं प्रकट हुए हैं जहां तहां चाहे श्री धाम वृंदावन हो या अन्य धाम हो जहां भी प्रकट हुए हैं प्रेम का पूज्य स्वरूप व्यापक पूज्य। तो ये प्रेम का पूज्य स्वरूप है गुरुओं का पूज्य स्वरूप है। व्यापक पूज्य सखी आचार्य और तीसरा स्वरूप प्रेम का सखी का स्वरूप तीसरा व्यापक पूज सखी आचार्य। अब दूसरे में कहा है कि जो प्रेम का पूज स्वरूप तो मान भावों के रूप में अवतरित भय भक्ति काल जो आया उसमें अवतरित भय और जहां तक जब तक विशिष्ट पूज मान भावों के रूप में सभी संप्रदायों में प्रकट होते रहते हैं और सबको जो है आध्यात्म का ज्ञान करा के उनकी चेतन शक्ति को विकसित करते हैं उजागर करते हैं और नित्य आनंद तत्व का साक्षात्कार कराते हैं ये जो है प्रेम का पूज्य स्वरूप अथवा गुरुओं का पूज्य स्वरूप है। तीसरा व्यापक पूज सखिया आचार्य जब हम सही तत्व से समझेंगे तो किसी भी संप्रदाय में अथवा व्यापक स्वरूप में जहाँ भी हमारे स्वामी जी महाराज की सत्ता है सखी स्वरूप में तो है ही अपने नित्य धाम में लेकिन हमारे स्वामी जी महाराज की जल तस्वीरदेव जी महाराज भी कह रहे हैं कि प्रेम रूप रस माधुरी श्री हरिदासी हे जितनो जो पावे तहाँ तितनो ताको दे जहाँ भी जिसने भी जो भी प्रेम रूप रस माधुरी किसी भी युगल संप्रदाय में किसी भी देश में कहीं जहाँ कहीं भी कुछ भी प्राप्त किया वो स्वामी जी की कृपा से बिहारी जी की कृपा से क्योंकि मूल में बिहारी जी महाराज हैं इन्हीं के जो है कृपा क्रांश अंश से और सबके सब पल्वित पुष्पित हैं चाहे कोई भी मत क्यों न हो। तो प्रेम का सखी स्वरूप व्यापक पूज सखी आचार्य तीसरा स्वरूप सखी जो ललिता रूप से नित्य निकुंज मंदिर में नित्य लीला रसिक प्रिया प्रीतम को सतत नित्य विहारकार शाश्वत धन कराती रहती है रोगियर जीव महाराज की एकमात्र क्योंकि ललिता जी
सैचरी भय भजो पलक पास पहुंचने समूह बस्यो मान कूट नाते ललता जु ललित करावत केली। भगवत सिद्ध जी महाराज और पदों में भी कहते हैं नहीं सुखिया नहीं प्रकिया कल्प की मतवा जोरी भगवत रसिक की नित्य अनंत अनार लोक ते रीत विलक्षण श्रुति स्मृति की दिलगा देख अनुभव के अक्षण सहज प्रेम माधुर रहत अनुरागे दो और ललता सखी प्रसाद बिनाता जातन को। तो ललता जी की बिना कृपा के बिना प्रसाद के इस महल में किसी का प्रवेश नहीं। तो ललिता स्वरूप से बिहारी ग्यारन को नित्य निकुंज मंदिर में सहज विहार प्राण रखते हैं लीला परायण नित्य लीला में प्राण रखते हैं प्रियतम को सतत। तो और स्वयं रसास्वादन भी करती रहती हैं। तो ये प्रेम का सखी स्वरूप है बिहारी जी महाराज की। लाड़ भी लड़ाती हैं और रसास्वादन भी करती हैं। चौथा गुरुओं का स्वरूप प्रेम का स्वरूप स्वामी जी का स्वरूप व्यापक पूज सखी आचारज आचारज स्वरूप में प्रेम का आचार स्वरूप जो बिहारी दासों के रूप में अवतरित होकर साधकों को रसिक के आचार का उपदेश देता है। जो परंपरागत बिहारीदास विशिष्ट बिहारीदास होते रहते हैं उनके रूप में भी स्वामी जी महाराज अवतरित होते हैं। प्रेम का रूप ही प्रेम रूप ही अवतरित होता है अथवा उनके रूप में गुरु ही हैं। गुरु स्वामी जो महाराज जी जो बिहारीदासों के रूप में प्रकट होके और परंपरागत साधकों को जब तक मूल उपदेश करके उनके रास्ता को प्रशस्त करते हैं स्वामी जी महाराज की। तो ये भी प्रेम का स्वरूप और गुरु स्वरूप और स्वामी जी का स्वरूप है। पांचवा व्यापक पूज सखी आचार्य अथ ऐश्वर्य पांचवा अथ ऐश्वर्य समस्त ऐश्वर्यों का अतिक्रमण करके अवस्थित प्रेम का स्वरूप पर स्वरूप जो नित्य युगल श्री श्यामा कुंजी बिहारी के आनंद रस भरित हृदय सरोवर में सतत विलास करता रहता है। सब ऐश्वर्य छिपाए पाए पर दीन भयो अजमानी श्री महाराज कहते हैं सुखदान बिहारी दानी उस पद में। तो सभी ऐश्वर्यों का समस्त ऐश्वर्यों का अतिक्रमण करके मूल स्वरूप बिहारी बिहारन अपने नित्य विहार परायण रहते हैं। अवतारी भरतास पर्व नित्य विहारी एक और भक्त भाव पूर्ण करें धर अवतार अनेक। तो मूल रूप से विहार परायण रहते हैं और सभी ऐश्वर्यों का अतिक्रमण कर देते हैं। वहाँ ऐश्वर्य की समाई नहीं है स्वामी जी के देश में। अन्य जो है युगलों में ऐश्वर्य मिश्रित है अथवा पूर्ण ऐश्वर्य जैसा जैसा है। वहां तो नित्य निकुंज में बिहारी बिहारी को सहज जो निमग्न रखती हैं और वहां बिहारी बिहारिन और ललताजू के लाड चाव से और बिहार में अति निमग्न रहते हैं। तो प्रेम का पूर्णतम स्वरूप जो युगल बिहारी बिहारिन सहज नित्य विहार परायण रहते हैं और हृदय रस रूपा श्री ललताजू उनको सहज बाह्य दृष्टि से भी लाड़ लड़ाती हैं और अंतरंग रोम रोम में इंद्रिय रूप बनके उनको सहज लाड़ लड़ाती हैं। प्रिया प्रीतम की श्वास भी प्रिया प्रीतम की इच्छाएं प्रिया प्रीतम की इंद्रियाएं भी ललताजू हैं। श्री स्वामी जी महाराज हैं सहचरी ही हैं सहचरी है भजो इसीलिए तो कह दिया सहचरी है भजो पलक पास संग वश मान कोट नाते। तो ये जो है प्रेम का पूर्णतम स्वरूप सर्वोपर स्वरूप। स्वामी जी महाराज की इस तरीके से महाराज ने तो
व्यापक पूज सखी आचार्य अति ऐश्वर्य प्रवीणो। इन अतिशय प्रवीण लोक वेद भय भरम भगाए तापस राय तीनों। लोक वेद भय भरम, लोक की शंका, लोक ये कह रहे हैं, वेद ये कह रहा है, ये निर्णय श्री स्वामी महाराज की कृपा से ही हो जाए। एक पद में कहा है ना कि महाराज बोले ब्रह्मलोक शिवलोक और लोक अस कैसी अदा दशार देखो बिना बिहारी ना है। जैसे ब्रह्मलोक शिवलोक जितने भी लोक हैं बिना बिहारी महाराज के भजन किए, ये सब लोगों की उपासना में कुछ नहीं है, ऐसा बात कहें। और भी कहा है महाराज ने, लोग तो भूले भले भूले तुम जिन भूलो, मालाधारी अपनो पछाण और सूरज ज्योदार में दारी, श्याम कहते ही जीव मोते विमुख भई, सो कौन जिन दूसरी कर डारी, तहन श्रद्धा यज्ञ देवता पितरण को श्रद्धा भारी। यज्ञों में देवताओं में पितरों में जो श्रद्धा है वो जो है हरि से विमुख है, तो ये निदान स्वामी जी महाराज ने किया। तो लोक वेद के वेद भरम भगाए, तो लोक के और वेद के, तो नाना प्रकार के वेदों में जो वर्णित है वो भ्रम का भी नाश किया। और शुद्ध रस रीति महाराज ने रसकों के लिए प्रदान करी, शुद्ध आदि शुद्ध जो रस रीति है, निपट नित्य तत्व है, जिसमें किसी ऐश्वर्य की अथवा सामान्य रस की समाई नहीं है जिसमें। बोलो जी महाराज की। तो इन पांच स्वरूप श्री गुरुदेव के अथवा स्वामी जी महाराज के और लोक वेद के जो समस्त भय भ्रमों का भगाकर और हमारे दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप सिराए, तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक, तो इन तीनों तापों को दूर कर दिया स्वामी जी महाराज। ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्, भागवत जी में भी आता है, तीनों तापों को हरण करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप श्री भगवान कृष्ण हैं, और यहाँ तीनों तापों को हरण करने वाले श्री स्वामी हरदास जी महाराज श्री गुरुदेव जी हैं। बोलो स्वामी जी महाराज। ताप त्राई सीनो, जब ऐसा हृदय में प्रकाश होता है तो सारे ताप शमन हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आनंद घन को पद दर्शायो, महाराज बोले जो आनंद घन स्वरूप श्री बिहारी बिहारी हैं उनका पद जो दर्शित कर दिया। आनंद घन को पद दर्शायो दंपति रस रस भीनो, जो दंपति की रति है बिहारी बिहारी की अखंड रति है, उस रस में मुझे निमग्न कर दिया, वो रस मेरे हृदय में विराजमान कर दिया, मैं उस रस से भिगो दिया, श्री भगवत सिंह जी महाराज कहते हैं। ऐसी कृपा करी मेरे गुरुदेव ने स्वामी जी महाराज ने। भगवत रस को लड़े ती लालन ललित भुजन भर लीनो। भगवत रसिकदेव जी महाराज कहते हैं, भगवत रसिक लड़ंती लालन ललित भोजन भर लेना, लड़ंती और लालन श्री बिहार जी महाराज ललित भोजन भर लेना, ललिताजू सहज भुजाओं में आबद्ध करके उनको विहार परायण रखती हैं, ऐसा जो आनंद घन का पद है, जो दंपति रत रस भीना है, मेरे श्री गुरुदेव ने वो झांकी और वो सुखो मुझे प्रदान किया। बोलो यार जो भगवत रसिक लड़े ती लालन ललित भोजन भर लेनो, तो ये बार बार आचार्य मान बाब कहते हैं, कब देखो भर नैन गौर श्याम दूब लाडले श्री हरदासी एन कर विहार भुजंग विहार अखंड दिन। तो ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा, जब ललिता जी की गोद में
बिहारी बिहार अखंड रूप से जो बिहार पुराण रहते हैं, ये झांकी हमारे हृदय कमल में कब विराजेगी, ये आतुरता चातुरता रसकों के हृदय में, अनुगत जनों के हृदय में बराबर चाहिए। बोलो स्वामी जी महाराज की ये, और भाव दृष्टि से बराबर चिंतन मगन रहना चाहिए, ऐसा आचार्य मान भाव। और ये भी भाव है कि भगवत रस के लड़े तेलालिन ललित भुजन भरलीनो, श्री गुरुदेव जी की कृपा से अथवा गुरुदेव जी स्वरूप श्री बिहारी बिहारिन ने, और जब सहचरी सुख प्रदान किया गुरुदेव ने, तो बिहारी बिहारिन के रूप में भी अपना अंग संगनी सहचरी भाव दिया, नित्य सहचरी भाव, और अपनी भुजाओं में अथवा अपने अंग संग हमको सदा सदा अपनी महल की और अंग संगनी सहचरी बना लिया श्री लढ़ंती लालन ने, बिहारी बिहारिन ने। बोलो स्वामी जी महाराज की, भगवत रसिक लढ़ंती लालन ललित भुजन भर लेनो, अपने भुजाओं में आबद्ध कर लेना, अपना अंग संगनी सहचरी बना लेनो स्वामी जी महाराज, ऐसा सुख प्रदान किया है। तो या मैं गुरुदेव जी की प्रशंसा, प्रेम की प्रशंसा, प्रेम का स्वरूप, गुरुदेव जी का स्वरूप और स्वामी जी का स्वरूप, तीनों के तीनों स्वरूप दर्शित होते हैं। ये है स्वामी जी का स्वरूप, प्रेम का व्यापक स्वरूप, प्रेम का पूज्य स्वरूप, प्रेम का सखी स्वरूप, प्रेम का आचार्य स्वरूप, और समस्त ऐश्वर्यों का अतिक्रमण करके अवस्थित प्रेम का सर्वोपर स्वरूप। बिहारी जी महाराज, मन मेरे भजे ले श्री कुंज बिहारी, मन मेरे भजे ले श्री कुंज बिहारी, मन मेरे भजे ले श्री कुंज बिहारी, सब सुख सागर रूप उजागर, अंग संग प्रीतम प्यारी प्यारी, वृंदावन घन नवन कुंज में, केल करत भुज चारी चारी, श्री बिहारी बिहारिन दास लड़ावत, जीवन प्राण हमारी हमारी, मन मेरे भजे ले श्री कुंज बिहारी, मन मेरे भजे ले श्री कुंज। समी महाराज कीजे, गरजी महाराज कीजे, वृंदावन सिंधु कीजे, समस्त आचार्य वंदन कीजे, गुरुदेव चरणारविंद कीजे।